so in this video we we'll like to discuss procedure of conversion from private limited company into limited liability partnership uh, this topic already comes in december 2019 examinations carries 9 marks and this is your lecture number 12 uh, so first we need to understand the meaning of llp that is limited liability partnership see limited liability partnership is nothing but a combination of both company and a partnership लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप रिमेंबर कंपनी एंड पार्टनरशिप बीच कॉम्बिनेशन को कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ओके देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है ये बहुत सुइटेबल होता है स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस एंटरप्राइज के लिए एंड गवर्न बाई एल एल पी टू थाउजेंड एट ये इफेक्टिव हुआ विथ इफेक्टिव फ्रॉम फास्ट अप्रैल टू थाउजेंड एट विथ इफेक्टिव फ्रॉम फास्ट अप्रैल टू थाउजेंड एट राइट सो ये इसलिए बनाया गया था टू एनकरेज और यू कैन सेमोटिंग प्रमोटिंग द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज यू कैन से एम एस एम ई इन शॉर्ट एम एस एम ई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एम एस एम ई को प्रमोटिंग करने के लिए ये बनाया गया था एंड लिमिटेड लाइब्रिटी पार्टनरशिप एडवांटेज ऑफ इज सेल्फ गवर्नेंस एज वेल एज लेस कॉम्प्लियंस लिमिटेड लाइव पार्टनरशिप में सेल्फ गवर्नेंस होता है एंड लेस कॉम्पलियंस होता है मीन्स टैक्स आपको ज्यादा देना नहीं पड़ता है सो दीज आर द दस एंड द मीनिंग ऑफ एल एल पी एक्ट एंड ऑल्सो इन केस ऑफ एल एल पी देर आर मिनिमम टू डेजिग्नेटेड पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर आज लाइक एज लाइक एनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम टू डायरेक्टर सिमिलरली इन केस ऑफ एल एल पी देर आर टू मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए एंड वन ऑफ दे मस्ट भी इंडियन रेजिडेंट उसमें वन मस्ट भी इंडियन रेजिडेंट इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए राइट ओके सो देन डीन विल भी रिक्वेड फॉर दोज हु उल बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर रहेंगे उसका डीन होना चाहिए डीन मतलब डीन मीन्स डायरेक्टर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे उसका डीन होना चाहिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर फर्दर इट इज इंपॉर्टेंट टू अप्लाई फॉर ए डी एस सी बिफोर अप्लाइंग फॉर द डीन डीन अप्लाई करने से पहले आपको डीएसी अप्लाई करना पड़ेगा या फिर डीए क्या होता है डीएसी मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट राइट सो दिस इज ऑल अबाउट एल एल पी द प्रोसीजर ऑफ एल एल पी एंड द मीनिंग ऑफ एल एल पी ओके नाउ द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्सन फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन टू लिमिटेड लाइबिटी पार्टनरशिप सो फर्स्ट ए कंपनी मे अप्लाई टू कन्वर्ट इट सेल्फ इन टू ए एल एल पी इफ एंड ओनली इफ देर इज नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन इट्स आसेस सबसिस्टिंग और इन फोर्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड द पार्टनर्स ऑफ द एल एल पी टू हिच इट कन्वर्ट्स कंप्राइज ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एंड नो वन एल्स पहले कन्वर्ट करने से पहले देर शुड बी नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन इट्स एसेट्स सबसिस्टिंग और इन फोर्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन दिस इज द फर्स्ट कंडीशन देन द पार्टनर्स ऑफ द एल एल पी टू हुई इट कन्वर्ट्स कंपराइज ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एंड नो वन एल्स ये टू कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल्ड टू कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल्ड ओपन द कन्वर्सन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इंटू एन एल एल पी द कंपनी एंड इट शेयर होल्डर द एल एल पी एंड द पार्टनर ऑफ द एल एल पी शाल बी बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ दिस शेड्यूल दैट आर एप्लीकेबल टू दैम वंस कन्वर्सन हो जाएगा प्राइवेट कंपनी टू एल एल पी द कंपनी कंपनी एंड इसके जितने भी शेयर होल्डर होते हैं एंड द पार्टनर ऑफ द एल एल पी शाल बी बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ दिस शेड्यूल शेड्यूल में अंदर जो जो हो गए ये सब बाउंड रहेंगे दैट आर एप्लीकेबल टू देम जो जो एप्लीकेबल होगा एंड यू कैन से देन मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितने हैं उसके एक मीटिंग होगा कॉल ए मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड उसके बाद एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा

द कंपनी विल हैव टू अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ एल एल पी ये नेम अवेलेबल है कि नहीं ये अप्लाई करना पड़ेगा देन गेट नेम अप्रूवल फ्रॉम आर ओ सी आर ओसी मीन्स रजिस्ट्रर ऑफ कंपनीज आर ओसी मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आर ओ सी मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कंपनी से आर ओ सी से नेम अप्रूवल करना पड़ेगा एज पर एल एल पी राइट देन फाइलिंग ऑफ इन कॉर्पोरेसन फ्रॉम रिक्वेर्ड डॉक्यूमेंट्स ए फाइल विथ ई फॉर्म टू विथ आर ओ सी एलॉन्ग विथ एड्रेस प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एल एल पी कंसेंट टू एक्ट एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड पार्टनर्स द सब्सक्रिप्शन सीज आइडेंटिटी एंड रेसिडेंटल प्रूफ ऑफ ऑल द डेजिग्नेटेड पार्टनर देन आपका एल एल पी एंड और कंपनीज़ इन हुईज पार्टनर डेजिनेटर पार्टनर इज ए डायरेक्टर डेजिनेटरी पार्टनर कितने एल एल पी के पार्टनर uh, हैं या फिर डेजिनेटरी पार्टनर हैं इसका uh, पूरा संपूर्ण डॉक्यूमेंट दिया जाएगा उसके बाद फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर कॉन्वर्सन इन टू एल एल पी देन उसके बाद एक फॉर्म एटीन आता है फॉर्म एटीन ओके फॉर्म एटीन इसके अंदर फाइलिंग ऑफ कन्वर्सन पॉसिबल Uh, of a company into LLP, but it need to be filed with a form for incorporation itself. Okay, so form number 18 and fees containing the following particulars like the name and registration number of the company, the date and who is the company was incorporated, and incorporation document and statement on the receipt of the above said document. The registrar shall register the documents subject to the provision of the Act and the rules made thereunder. द रजिस्टर साल इश्यू ए सर्टिफिकेट ऑफ रेजिस्ट्रेशन इन फॉर्म नंबर नाइनटीन आज द रजिस्टर मे यू नो सिलेक्टिंग दैट द एल एल पी इज ऑन एंड फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट राइट देन दिस फॉर्म हेज इन कॉर्पोरेशन अबाउट द कन्वर्सन ऑफ द कंपनी इन टू एल एल पी और

एंड एनुअल स्टेटमेंट अंडर द कंपनीज ऑफ टू थाउजेंड थर्टीन नीड टू बी फाइल विद एम सी एट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स राइट देन उसके बाद क्या होगा सर्टिफिकेट ऑफ इन कॉरपोरेशन एज एल एल पी फ्रॉम आर ओ सी एक सर्टिफिकेट ऑफ इन कॉरपोरेशन एज एल एल पी ऑप्टेन करना पड़ता है फ्रॉम आर ओ सी देन आफ्टर दैट आफ्टर दैट क्या होगा बनाया जाएगा एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा ड्राफ्टिंग जिसे कहते हैं ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग ऑफ एल एल पी एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग ऑफ एल एल पी एग्रीमेंट जिसमें मेंशन रहेगा नेम ऑफ द एल एल पी नेम ऑफ पार्टनर्स फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी है एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑल द पार्टनर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स प्रोपोज बिजनेस कौन सा बिजनेस हो, होगा एल एल पी के अंदर एंड रूल्स फॉर गवर्निंग एंड एल एल पी ये सब ड्राफ्टिंग में रहेगा एल एल पी एग्रीमेंट का ड्राफ्टिंग में आफ्टर दैट फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म थ्री देन आफ्टर डूइंग ई फॉर्म थ्री नो मस्ट बी फाइल ऑफ ई फॉर्म फोरटीन दैट इज इंटीमेशन टू आर ओ सी एक ई फॉर्म फोर्टीन फाइल करना पड़ता है ई फॉर्म फोर्टीन इंटीमेशन टू आर ओ सी दैट इज इंटीमेशन टू आर ओ सी राइट सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसिजर ऑफ कन्वर्सन फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंटू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि टैक्सेशन ऑन कन्वर्सन ऑफ कंपनी इंटू एल एल पी वंस एल एल पी कंपनी एल एल पी में कन्वर्सन हो जाएगा देन द कन्वर्सन ऑफ कंपनी टू एन एल एल पी विल नॉट अट्रैक्ट कैपिटल गेन ये कैपिटल गेन के लिए अट्रैक्ट नहीं होगा नॉट अट्रैक्ट फॉर नॉट एट्रैक्ट फॉर कैपिटल गेन एज डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन सब्जेक्ट टू समर्म्स एंड कंडीशन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा उसके थ्रू इट विल नॉट अट्रैक्ट अप कैपिटल गेन, देन इफेक्ट क्या रहेगा वंस इट कन्वर्ट वंस ए कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट इन टू एल एल पी व्हाट आर द इफेक्ट फर्स्ट द प्राइवेट कंपनी क्या हो जाएगा कंप्लीटली रिजर्व कम्प्लीटली रिजर्व आफ्टर कन्वर्सन मीन्स द नेम ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विल रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द आर ओ सी जो नेम था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का वो रिमूव हो जाएगा आर से आर मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी रजिस्टर ऑफ कंपनी से पहले से जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नेम नेम हुआ करता था वो रिमूव हो जाएगा द नेम ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विल रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द आर देन कन्वर्सन विल नॉट अफेक्ट एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज ओबलाइजेशन एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट ये सब अफेक्ट नहीं करेगा जो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी था कंपनी का एंड जो ओबलाइजेशंस था एग्रीमेंट जो जो हुआ था कॉन्ट्रैक्ट जो जो हुआ था एंड जो जो कंटिन्यू एम्प्लॉय है और यू कैन से कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट ये सब में कुछ इफेक्ट नहीं आएगा ओके सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कन्वर्सन देन आफ्टर दैट व्हाट आर द एडवाटेजेस ऑफ कन्वर्सन अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एलएलपी से कन्वर्ट हो जाता है तो व्हाट आर द एडवांटेजेस द फास्ट एंड मोस्ट एसेंशियल एडवांटेजेस ऑफ

राइट देन देर इज नो मैक्सिम लिमिट टू द नंबर ऑफ पार्टनर विच इज नॉट शो इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो वास्ट एल एल पी में कॉन्वर्ट हो जाएगा तो इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है जितने भी पार्टनर हो सकेंगे इसमें एंटर कर सकते हैं सो देर इज नो मैक्सिम लिमिट नंबर ऑफ पार्टनर्स विच इज़ नॉट सो इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रेस्ट्रिक्शन होता है लेकिन एल में कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है नो मैक्सिमम लिमिट राइट एंड अनदर एडवेज ऑफ कन्वर्सन इज देर इज नो कंपलसन ऑन होल्डिंग ए मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रैटूचरी रिकॉर्ड कंपल्सरी नहीं है कि ए मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग होल्डिंग करना पड़ेगा एंड मेंटेनिंग ऑल द स्ट्राटिकसन नहीं है अंडर एल एल पी एक्ट में तो बहुत सारा एडवेंटेजेस है देन ऑल्सो बेस्ट फॉर लेस कंपलियंस फॉर टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ज़्यादा कुछ टैक्सेसन वगैरह मैंने रिक्वायरमेंट नहीं है सो so इसमें लेस कम्पलियंस है एज कंपेयर विथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओके सो एल एल पी इज ए वेरी Uh, very advantages of for small and medium sized uh, you know uh, business who are need to convert from their private limited company into llp and expenses will be reduced in case of llp also liability will be reduced in case of llp so these are the advantages of llp act right so and uh, many Uh, उसका इफेक्ट भी बता दिया और वट आर द एवंटाजेस बता दिया तो यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर ऑल सोज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड रिवाइज एज मेन्टेजेंस पॉसिबल सो फर्स्ट यू जस्ट नीड टू राइट द मीनिंग ऑफ एल एल पी दैट इज एल एल पी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कंपनी एंड पार्टनरशिप एंड एल एल पी ऑलवेज सुटेबल फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस एंटरप्राइज इट गवर्न बाई एल एल पी वो थाउजेंड एट एंड विथ इफेक्टिव फ्रॉम फास्ट एपिल टू थाउजेंड एट एंड ये इफेक्टिव होता है टू एनकरेज मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ओके एंड इसमें क्या होता है ना एलवेंटेजेस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस एंड लेस कॉम्फिडेंस सो एंड यू कैन राइट दैट इन केस ऑफ एल एल पी देर मस्ट भी मिनिमम टू डेजिग्नेटेड पार्टनर वन ऑफ दैम मस्ट बी एन इंडियन रेसिडेंट डीन विल बी रिक्वेयर फॉर दोज हुम डेजिग्नेटेड पार्टनर देन फर्दर इट इज इम्पोर्टेंट टू अप्लाई फॉर ए डी एस सी दैट इज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बिफोर अप्लाइंग फॉर द डीन डीन मतलब डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर सो एंड कन्वर्सन करने के लिए फास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको एक बोर्ड मीटिंग होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर जितने भी डायरेक्टर हैं एंड वहां पर एक रिजोल्यूशन पास होगा फॉर कन्वर्सन ऑफ कंपनी इंटू एल एंड उसके बाद पास किया जाएगा रिक्विजेड रिजोल्यूशन टू ऑथोराइज एनी वन डायरेक्टर टू फाइल ऑल द नेसेसरी ई फॉर्म्स विथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ओके उसके बाद एप्लीकेशन फॉर नेम अवेलेबिलिटी नेम चेक करना पड़ेगा द कंपनी विल हैव टू अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ द एल एल पी देन आर ओ सी से अप्रूवल करेगा देन uh, उसके बाद फाइलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर्म विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देन फाइल करेगा ई फॉर्म टू विथ आर ओ सी एलॉन्ग विद एड्रेस प्रूफ ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस कंसेंट टू एक्ट एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड पार्टनर्स द सब्सक्रिप्शन सीट्स देन आइडेंटिटी एंड रेसिडेंट प्रूफ ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर then यू कैन से डिटेल्स ऑफ एल एल पीज एंडर कंपनीज इन हुई पार्टनर और डेजिनेटेड पार्टनर इज ए डायरेक्टर और डेजिनेटेड डायरेक्टर एक्सेट्रा उसके बाद क्या करना पड़ेगा फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर कन्वर्सन इन टू एल एल पी दैट इज़ फॉर्म एटीन एक फॉर्म एटीन को एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना पड़ेगा फॉर्म एटीन इज ए फॉर्म फॉर कन्वर्सन ऑफ ए कंपनी इन टू एन एल एल पी बट इट नीड टू बी फाइल फॉर्म फॉर इनकॉरपोरेशन इट्स ओके सो उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉरपोरेशन इन आज एल एल पी फॉर्म आर ओसी एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉरपोरेशन आना पड़ेगा रजिस्टर uh, कंपनी से उसके बाद एक बनाया जाएगा ड्राफ्ट ड्राफ्ट ऑफ एन एल एल पी एग्रीमेंट जिसमें कंटेंट रहेगा नेम ऑफ द एल एल पी नेम ऑफ द पार्टनर्स फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड वट आर द नेम ऑफ द बिजनेस वट कैटेगरी ऑफ बिजनेस रूल्स फॉर गवर्निंग ऑन एल एल पी ये सब रहेगा जो बना जाएगा ड्राफ्ट उसके बाद फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म थ्री एंड वंस फाइलिंग डॉन फॉर्म थ्री उसके बाद फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म फोर्टीन एक ई फॉर्म फोर्टीन के द्वारा इंटीमेशन सेंड किया जाएगा ए रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी को फॉर कन्वर्सन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंटू एल एल पी ओके सो दीज आर द प्रोसीजर्स एंड वांस इट कन्वर्ट व्हाट आर द एडवांटेजेस आज यू नो ऑलरेडी दैट द कन्वर्सन ऑफ कंपनी इंटू एन एल एल पी विल नॉट अट्रैक्ट कैपिटल गेन टैक्स आज डिफाइन अंडर इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन उसके बाद द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैंने कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा रजिस्टर ऑफ आर से कन्वर्सन विल नॉट अफेक्ट एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज गोबलाइजेशन एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट एंड कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट ऑल आसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी विल कन्वर्ट इन टू दर्ज ऑफ एल एल पी हाउ एवर नो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर रिक्वायर होगा इसमें हैंड देयर विल नॉट बी एनी स्टाम्प ड्यूटी इम्प्लीकेशन ऑन सच ट्रांसफर देर इज नो मैक्सीम लिमिट टू द नंबर ऑफ पार्टनर्स ओके सो दीज आर द advantages also there is you no know, compulsion on holding a minimum uh, number of meeting and maintaining statutory records uh, best for less compliances also for taxation point of view you can say expenses will be reduced liability will be reduced so these are the advantages of conversion uh, of a private limited company into into a limited liability partnership so this is it all about procedure of conversion from private limited company into limited liability partnership तो मेरे तरफ से इतना ही यू जस्ट नीड टू रिवाइज इट एज मई इंटी इज पॉसिबल एंड हैप्पी स्टार्टिंग